Welcome, it's Dr. Zaria Amin. I'm consultant dietitian at Rehab Cure. आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जिनके, जो लोग क्विक रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए. वो वेट लॉस जर्नी को अपने जल्दी करने के लिए, क्विक करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स में ऐसा कर रहे होते हैं कि वो क्रैश डाइटिंग की तरफ आ रहे होते हैं. क्रैश डाइटिंग में क्या होता है कि आप अपनी कैलोरी इनटेक को बहुत ड्रेस्टिकली चेंज कर रहे होते हैं, बहुत रिड्यूस कर रहे होते हैं. लेकिन अगर आपकी कैलोरी इंटेक रिक्वायरमेंट है 1500 किलो कैलोरीज, जो लोग क्रैश डाइटिंग कर रहे होते हैं वो 500 किलो कैलोरीज तक पर डे में कंजम्पशन कर रहे होते हैं. क्रैश डाइटिंग से एक बार वेट लूज तो हो जाता है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म लाइफ में उसके इफेक्ट्स नज़र आते हैं. मोस्टली होता है कि जब आप क्रैश डाइटिंग को छोड़ते हैं तो आपका, जब नॉर्मल रूटीन में आप आते हैं तो आपका वेट बाउंस बैक करता है. आपने जितना लूज़ किया होता है उससे ज़्यादा रीगेन कर लेते हैं. लेकिन जो क्रैश डाइटिंग के दौरान या उसके बाद आपको चेंजेस मिलते हैं, उनमें एक तो मेन चीज़ ये होती है कि आपको हंगर फील बहुत ज़्यादा होता है. लाइक आपकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा है, इतना कम खा रहे हैं तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में डेवलप नहीं हो रहा होता, आपको लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है. इसके अलावा अगर हम फिज़िकली देखें तो आपको स्किन में कॉम्प्लेक्शन, आपका स्किन का डल हो रहा होगा क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही होती है. आपको डार्क सर्कल्स फील होंगे. इसके अलावा आपके नेल्स ब्रिटल होंगे, आपको हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा, हेयर का कलर ठीक नहीं रहेगा. काफ़ी ज़्यादा से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपको अपीयरेंस में भी फील होना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा ज़ाहिर है आपके अपना इनटेक कम है, आप अपने डाइट को प्रॉपर वे में नहीं ले रहे, उसकी वजह से आपकी गट हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और वो कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक कंडीशंस तक जा सकती है. इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है. मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से आप एक टाइम तक वेट लूज़ तो कर लेते हैं लेकिन एक टाइम पे जब इतना स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से आपका वेट स्टक हो जाता है. एक हद तक आप लूज़ करते हैं फिर उसके बाद आप स्टक वेट पे होते हैं. और मोस्टली ये होता है कि आपका फैट लॉस नहीं हो रहा होता, आपका या तो मसल मैस कम हो रहा होता है या वाटर वेट आपकी बॉडी से कम हो रहा होता है. आपके जो मसल्स हैं, लीन मसल्स हैं, वो आपकी बॉडी से कट डाउन हो रहे होते हैं, तो आपका वेट लॉस प्रॉपर नहीं हो रहा होता. फिर आपका गोल फैट लॉस होना चाहिए, वेट लॉस नहीं होना चाहिए. आपने अगर प्रॉपर अपना वेट लॉस करना है तो आपको चाहिए कि आप एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म डाइट को फॉलो करें, जो आपको लेटर ऑन आपको बेनिफिशियल भी हो आपके लिए, आपके लाइफस्टाइल को प्रॉपर चेंज भी कर सके. आप पोर्शन कंट्रोल डाइट फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स की हद तक रहते हुए, कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए एक हेल्दी वे में अपनी डाइट को लूज़ करें, अपनी डाइट को एक हेल्दी वे में अपने वेट को लूज़ करें. आप अपने डाइट में सब फूड ग्रुप्स को रखें एक पोर्शंस के साथ. अगर आप अपना कस्टमाइज डाइट प्लान लगाना चाहते हैं तो आप रिहैब क्योर में मेरे साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं.